एक और जहां यूपी में दलित मायावती को लेकर हंगामा कर रहे हैं, वहीं गुजरात में दलित पर राजनीति शुरू हो गई है। दलितों से दर्द बांटने के लिए दिल्ली से जाने वाले नेताओं में राहुल गांधी सबसे आगे रहे। राहुल आज सीधे ऊना पहुंचे और पीड़ित परिवारों के बीच करीब 30 मिनट रुके। उन्होंने दुखड़ा बांटा, परिवार वालों के साथ चाय भी पी। दलित लड़कों की पिटाई के 9 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ऊना पहुंचे। राहुल ने ऊना में पीड़ित परिवारों से दर्द बांटा और फिर राजकोट जाकर अस्पताल में पीड़ितों से भिड़े। गोरक्षा के नाम पर दलित लड़कों की पिटाई के बाद गुजरात क्या उबला। दिल्ली से ऊना तक दलित वोट के लिए होड़ शुरू हो गई। यूपी चुनाव पर नजर गड़ाए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी 9 दिन बाद दलितों का दर्द दिख ही गया। राहुल आज सीधे पीड़ितों के गांव समठियाला पहुंचे और पीड़ितों के परिवार के साथ दुख बांटा। राहुल करीब आधे घंटे तक रुके, परिवार के साथ चाय भी पी। उन्होंने ये बोला कि हाँ, मैंने सब वीडियोस भी देखे, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। उन्होंने बोला कि हम आपको न्याय दिलाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हमारे अंडर में आता है। ऊना के बाद राहुल राजकोट जाकर अस्पताल में पीड़ित लड़कों से मिले। पिटाई के बाद से सभी पीड़ित लड़के अस्पताल में ही भर्ती हैं। जो लोग वो मारने वाले हैं, वो कम से कम 40-50 आदमी थे लड़के, और गांव-गांव से आजू बाजू गांव के लोग थे। वो सब जो उसका मूल है उसको पहले तो देख देना चाहिए कि कौन वो चलाता है, एनजीओ कौन चलाता है। राहुल से पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी ऊना में पीड़ितों के परिवार से मिले। बहुत बड़ा षड्यंत्र उस नाते यहाँ पर इस घटना में अब नजर आ रहा है, और विशेष करके सामाजिक जो एक संभाव है गुजरात में और पूरे देश में खराब करने का एक बहुत बड़ा माहौल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पीड़ितों को लेकर सियासतदानों का दर्द ऐसा छलका कि आप प्रवक्ता आशुतोष ने भी गुजरात का रुख किया। कल दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी ऊना पहुंचे, जबकि जेडीयू नेता शरद यादव ने अपने दौरे के लिए शनिवार बुक किया है। हैरानी यह है कि दलित लड़कों की 9 दिन पहले पिटाई हुई, लेकिन राज्य सरकार भी जागी जब गुजरात जलने लगा। दलित एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर छा गए। फिर तो एकजुट दलितों का दर्द बांटने के लिए अहमदाबाद से दिल्ली तक लिए रेस शुरू हो गई। हर किसी की कोशिश है कि इस रेस में किसी से भी पीछे न रहे। राजकोट से अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो।